ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज अभी वर्षा परफेक्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा कानपुर में यूपी आइकॉन शो का ऑडिशन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संस्थापक अभिलाष सेंगर ने बताया कि हम कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने व उनको एक नया मंच देकर उनको सही तरीके से आगे लाने के लिए ये कार्यक्रम किया है। इसमें तकरीबन 100 बच्चों का ऑडिशन लिया गया। इस शो में सेमीफाइनल और फिनाले दिसंबर में किया जाएगा। जज के रूप में ज्योत्सना गुप्ता, चंदन, अरशद खान मौजूद रहे। मार्गदर्शक का काम विजय सिंह मर्तोलिया, रिंकू भैया, अन्य सहयोगी। आज कहाँ पर आप आई हुई हैं जज करने और किस चीज़ का ऑडिशन यहाँ पर आज लिया जा रहा है? यूपी आइकन टैलेंट का ऑडिशन है और इसमें कई कैटेगरी सिंगिंग है, मॉडलिंग है, एक्टिंग, मिलिट्री और डांस का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोरोना काल के बाद इवेंट इंडस्ट्री लगभग खत्म की कगार पे खड़ी है, उसके बाद यहाँ पर क्या बच्चों का रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो अच्छा ही है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये शुरू हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे अभिलाष जी ने एक बार फिर से लोगों में नई ऊर्जा भूकी है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे आगे आएंगे। जैसा कि यहाँ पर कितने बच्चों का ऑडिशन आज लिया गया है और क्या खूबियाँ बच्चों में देखने मिली कि कानपुर का टैलेंट अब कितना निखर रहा है? पहले से और अच्छा टैलेंट हमें आज देखने को मिला। 50+ बच्चे हमारे ऑडिशन में आए हैं और नई नई चीज़ें हमने देखी है जो आज कई पहले क्या होता था कई शोज़ में कि बच्चे एंड ट्रेन रहते थे, आज हमने देखा कि एक साल के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेन। मैं अभिलाष सिंह सेंगर, अभी वर्षा परफेक्ट इवेंट्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन का डायरेक्टर। आज इस बार यूपी के लिए लेके आए यूपी टैलेंट शो। इसमें हमारा 60 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के 40 बच्चों को हम और ऑडिशन लेंगे, जिसमें 5 से 6 बच्चा हम सेलेक्ट करके एज अ मेगा फिनाले में लेके जाएंगे। इसका मेगा फिनाले हम करवाएंगे 15 अक्टूबर को और फिनाले होगा 30 अक्टूबर को। बहुत से शोज हो रहे हैं और आज लॉकडाउन के बाद लगभग इवेंट इंडस्ट्री की कमर टूट गई है और बहुत समय बाद आज एक पहला ऑडिशन कराने जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है बच्चों का? सर ये पहला नहीं है हमारा, अभी 8 तारीख को कन्नौज में था। कन्नौज में कम से कम 40 से 50 बच्चों ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया है। आज यहाँ पर कितने बच्चों का ऑडिशन? अप्रॉक्सीमेटली सर, क्योंकि कोविड का भी है और तो उसको देख के कम से कम 80 बच्चा हमारे पास आएगा, जिस कारण हमने ऑडिशन में भीड़ अंदर नहीं आने देना है। एक एक बच्चा परफॉर्म करेगा और फिर वो घर जाएगा। कोविड नियमों का क्या ध्यान रखा गया है? कोविड नियमों का ये है, जो भी बच्चे आएंगे उनके लिए मास्क एंड सैनिटाइजर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।